नंबर 7 पर है सैड खून वाली पिगी जॉब्स। बेचारी पिगी, लगता है क्रिश करते करते उनको ऋतिक इतने पसंद आ गए थे कि ऋतिक के अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो उनके लुक अलाइक हरमन बवेजा से काम चला रही थी। कहते हैं टाइम के पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर अपना हरमन ठहरा जरा फास्ट फॉरवर्ड टाइप का बंदा है। उसने लगाया कैलकुलेशन और टाइम के पहले ही पहुंच गया पिगी को लेकर ईयर 2050 में। पर लव स्टोरी 2050 को देखने थिएटर में 20% लोग भी नहीं पहुंचे और उन 20 में से 50% भी मूवी पूरी होने के पहले निकल लिए। प्रियंका एंड हर मैन हरमन की लव स्टोरी 2050 20 मिनट्स के अंदर 2008 की बिगेस्ट फ्लॉप डिक्लेयर हो गई। और तभी शायद हरमन को देख के आशुतोष गवारीकर को ख्याल आया कि जब ऋतिक का इतना अच्छा डुप्लीकेट एकदम रस्ते का माल सस्ते टाइप की भाव में मिल रहा हो तो थोड़ा जो डाकघर में हुआ एक्स्ट्रा खर्चा नई मूवी में बचा लिया जाए क्यों। बस इस महान विचार को लेकर उन्होंने एक फोटोकॉपी मशीन लेके दे दना दन पीसी मैडम की 11 जेरोक्स कॉपीज निकाल डाली और एक के दाम पे डजन भर हीरोइंस का काम पिगी से करवा डाला। व्हाट्स योर राशि में एक टिकट पे 12 प्रियंका वाली स्कीम हरमन को भले जम गई हो मगर हर किसी के मन को नहीं जमी, तो जी 12 की 12 प्रियंका हो गई फ्लॉप। मगर बैड लक, हरमन जैसा भोला भाला थोड़ी होता है जो पिगी का पीछा आसानी से छोड़ता। इसलिए हर मोस्ट अवेटेड मूवी विशाल भारद्वाज की सात खून माफ भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसे साफ हो गई जैसे नील नितिन मुकेश के फेस से एक्सप्रेशंस साफ रहते हैं। ये मूवी बॉक्स ऑफिस के साथ आंखों से आंखें चार करके डार्लिंग नहीं बन पाई। अपनी इन महान फ्लॉप्स के साथ बॉलीवुड के काउंटडाउन पर पिगी पहुंच गई नंबर 7 पर। भैया सात खून भले माफ हो जाए, ऐसी फ्लॉप्स कभी माफ नहीं होती।